आर न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, हम इस वक्त हैं बार रूम में और आज हमारा एक मुद्दा है, क्योंकि 27 तारीख को बजट आना है। दूसरी बार जो हरियाणा में सरकार बनी है, खट्टर सरकार, उसका पहला बजट आएगा 27 फरवरी को और उसको लेकर के सदन में चर्चा की जा रही है। विधायकों को मौका दिया गया है सरकार द्वारा कि वो बजट पे चर्चा करे, अपने अपने मत दे। तो जाहिर है हमारे साथ बहुत सारे वकील भी हैं, राजनीति विश्लेषक है नरेश चौहान, लगातार एचआर न्यूज पे आप देखते रहे हैं, तमाम वकील भी ये हैं। तो आज हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि सिर्फ विधायक अपना जो मत दे रहे हैं, हमारी बात भी कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार तक पहुंचे, और तमाम इन लोगों से चर्चा करेंगे आने वाले बजट को लेकर के क्या सोचते हैं। क्योंकि हरियाणा में इस बार जो भाजपा की सरकार है वो गठबंधन के साथ है, यानी कि जननायक जनता पार्टी के साथ है। तो एक बार सीधा इनसे भी चर्चा करेंगे। पहला चौहान साहब आपसे करते हैं, सदन चल रहा है, विधायकों से चर्चा की जा रही है, किस रूम में आप देखते हैं? तमाम विधायक कहीं ना कहीं अपने अपने सुझाव भेज रहे हैं, किस रूम में आप देखते हैं? मोहनलाल जी, ये तो हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है मुख्यमंत्री की, कि भाई सभी विधायकों से, पार्टी लाइन से हटके, बजट से पहले प्री बजट चर्चा की जाए। क्या लगता है? इसका देर आए दुरुस्त है, मतलब दिल्ली का दिल्ली की खता खाने के बाद इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ एक मजबूरी भी है इस सरकार की, क्योंकि ये 75 पार से 40 पे आके टिक गए थे और अब निर्दलियों के सहारे और जेजेपी के सहारे, मतलब ये सरकार त्रिभुज की सरकार है, तीन भुजाओं पर टिकी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मजबूरी में ही सही, तो विधायकों को अब तीन दिन चर्चा हुई है, इनके अत्ते भत्ते भी मिल गए और इनको भी बोलने का और अपनी बात रखने का समय मिल गया। लेकिन विधायक का बेशक अपने हलके से चुनके गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ भी रहता है, इनको अपना वोट बैंक भी नजर आता है। हमारा एचआर न्यूज चैनल ने आज ये बात उठाई है, तो हम आपको पहले तो मुबारकबाद देते हैं कि ग्राउंड जीरो से भी तो सुझाव जाने चाहिए। मतलब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन स्वार्थ है तो वेलफेयर स्टेट का है, कि जन कल्याण, हमारे संविधान में वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेसी में, तो आम आदमी का क्या भला हो बजट में, वो बात हम चाहते हैं कि ग्राउंड जीरो से भी सुझाव जाएं और उनको हरियाणा सरकार विधायकों के साथ साथ कंसीडर करे और उसके मुताबिक बजट पेश करे। दोबारा आपके पास आते हैं, युवा वकील भी हमारे साथ हैं और भी लोग हैं, तमाम से हम बारी बारी जानेंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम उन वकीलों के चेहरे पर फोकस करता रहे, क्योंकि जाहिर है वकील एक ऐसी कौम है, यानी कि उस पूरे तमाम जो कहा जा सकता है कि शहर भर के लोगों से जुड़ाव इनका रहता है, तमाम सोशल वर्क के अंदर बहुत सारी इनकी एक्टिविटियों में, तमाम यानी कि बाहर के जितने भी वकील है वो भी कहीं ना कहीं पूरे समाज में जो चीजें बनाते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान। क्या सोचते हैं जो बजट आ रहा है इस बार? विधायकों से सुझाव लिया गया, क्या लगता है आम आदमी से सुझाव लेना चाहिए था सरकार? बिल्कुल जी, बिल्कुल लेना चाहिए और एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा बजट पास करना चाहिए गवर्नमेंट को, मेरे यही सुझाव बजट पे। तो देखिए, एक एजुकेशन, शिक्षा और चिकित्सा दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के हर आदमी चाहता है, और कहीं ना कहीं एक जो मैसेज निकल के आया अभी दिल्ली चुनाव को लेकर के, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से शिक्षा और चिकित्सा को महत्व दिया, तमाम लोगों की एक सोच हो गई है कि अब हिंदू मुस्लिम ना होकर के आम आदमी के मुद्दे की बात हो। क्या लगता है हरियाणा सरकार जो बजट पेश कर रही है, अब क्या सोच आप लोगों की है? बिल्कुल सर, हिंदू मुसलमान ना होकर किसानों पर और शिक्षा पे बजट तैयार किया जाए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए और किसान वर्ग पर ध्यान दिया जाए। 5 साल ये सरकार पहले रह ली, इस बार गठबंधन के साथ है, किस रूम में देखते हैं? क्यों याद आई? क्या लगता है कहीं ना कहीं डगमगाहट जो है तब कहीं ना कहीं विधायकों की याद आई? बिल्कुल जी, पहले इन्होंने काम हो सकता है कुछ अच्छे ना करे हो, इस वजह से कम सीटें आई है इनकी, अभी पूरा अपने विचार बना के चल रहे हैं। अब युवा हैं, किस तरीके से सोचते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? जी, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है आज के दिन, तो ये भी है रोजगार एक बड़ी समस्या है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या आपके जो स्थानीय विधायक है रेवाड़ी से, उन्होंने आपसे कुछ सुझाव मांगे? उन्होंने वो सदन में बोल रहे हैं एम्स होना चाहिए, क्या लगता है जो आपकी बात रखी, चाहे कोसली से विधायक हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आपका एक ही पड़ता है,
तमाम जो बातें रख रहे हैं, आपको लगता है कि आपके हितों में वो बात रख रहे हैं? वैसे तो आम आदमी की बात जानी चाहिए, मीडियम तो वही है, लेकिन ज्यादा अच्छा होता अगर लोगों को भी अधिकार मिलता। बुजुर्ग हमारे साथ है, बाबूजी है, सीधा बाबूजी आप किस रूम में देखते हैं बजट आने वाला है 27 तारीख आने वाला है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये जैसे कि मेरे मित्र ने बताया, अगर रोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरा अपना सुझाव है कि हरियाणा सरकार बजट में पैसे का ऐसा निर्माण करें जिससे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड हैं और एक साल के अंदर अंदर उनको नौकरी नहीं दी जाती है तो उनको मिनिमम 5,000 और 7,000 रुपया हर माह उनको देना चाहिए, और इसके लिए सरकार को अलग से प्रदान करना चाहिए फ्री एजुकेशन, फ्री वाटर सप्लाई और फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मूल जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और एक बात निकल के आती है, जो इन्होंने कहा वो फ्री नहीं है उसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। एचआर न्यूज का मानना है ये तमाम चीजें फ्री नहीं है, ये एक आम आदमी की जरूरत है, जिसका दायित्व सरकार पर है कि शिक्षा और चिकित्सा एक आम आदमी को मिलना चाहिए, उसका मौलिक अधिकार भी है। जब एक आम आदमी टैक्स देता है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो भी चुनाव हुए, शिक्षा और चिकित्सा का जो मुद्दा सबसे ज्यादा वहां गरमाया और लोगों ने उसी पे मतदान किया, जाहिर है जब देश की राजधानी के लोग इस चीज को समझते हैं शिक्षा और चिकित्सा एक आम आदमी का मूलभूत अधिकार है, वो सरकार ने दिया, उस पर उन्होंने वोट किया, तो जाहिर है उसके बाद प्रदेश देश भर के अंदर जहां भी राज्यों की सरकारें हैं उनकी कहीं ना कहीं नींदे उड़ी हुई है। और यही एक वजह है कि अब आम आदमी एक मुद्दा उठाने लगा है, शिक्षा और चिकित्सा वो कहीं ना कहीं आम आदमी को मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, आम आदमी को शिक्षा चिकित्सा बेहद जरूरी है? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो शिक्षा ही है जो हमें एक आदि मानव से, जब हमने कुछ पहनने का ढंग नहीं था, खाने का ढंग नहीं था, जब एक जंगली जानवर की तरह जीवन जीते थे, ये शिक्षा और विज्ञान ही है जो आज इस सभ्य समाज में हमको लेकर आई है। अगर सरकार शिक्षा के ऊपर अपने ज्यादा से ज्यादा बजट दे तो समाज विकसित होगा, आम जनता पढ़ेगी, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ करके रोजगार पा करके, और मैं समझता हूँ कि वो जिंदगी में कामयाब हो सकता है। और समाज अगर कामयाब होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, केवल सूखे नारे लगाने से, भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होने का। अगर रियल में अगर सरकार सीरियस है कि समाज आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, उसको शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा युवा होने के नाते, कि हम लगभग रोजाना चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते हैं, लेकिन उस अखबार की सुर्खियों के अंदर बड़ी ही, मैं समझता हूँ, दर्द भरी खबरें भी पढ़ते हैं कि आज के दिन जो देश की हालात है, प्रदेश की हालात है, पहले भी रहे हैं, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो 70 साल से राज कर रही हैं, आपको जरूर जरूर एक खबर मिलेगी कि फला बेरोजगार युवक ने फांसी लगाई, फला बेरोजगार युवक ने अपने बच्चों का गला घोटा, फला फला कंपनी ने आज तालाबंदी कर दी, बल्कि बड़ी ही बेहद दर्दनाक खबर, जिसको हम चाय की चुस्की के साथ भूल जाते हैं, बड़ी ही एक दार्शनिक बल्कि दर्द भरी एक कड़वी सच्चाई जो देश की प्रदेश की हमारे सामने आती है। सरकार को रोजगार के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और जो पीछे एक देश का रिकॉर्ड था कि जो देश को पालने वाला किसान था वो बहुत ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है, आज उस आंकड़े को भी बेरोजगार नौजवानों ने 18, 20, 25 साल की उम्र के नौजवानों ने सुसाइड करके, डिप्रेशन में जा करके, मेंटली सीक हो करके रोजाना जो सुसाइड कर रहे हैं किसानों के, उस आंकड़े को भी उन्होंने पार कर दिया। तो बड़ी ही दर्दनाक, तो देखिए बड़ी ही दर्द भरी स्थिति बता रहे हैं, और जाहिर है तमाम जो घूम फिर करके मुद्दा हो, किसानों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा का हो, हर आदमी की यही चीज है। और एक और चीज निकल के आती है, आपको क्या लगता है तमाम जितने विधायक है तीनों अपने रेवाड़ी बावल और कोसले के, उनको कोई कार्यकर्ता सम्मेलन करके सुझाव लेने चाहिए थे सदन में जाने से पहले? प्रोसीजर ये होना चाहिए था कि अपने जो विधायक हैं वो यहाँ की जनता से, सामाजिक संगठनों से, प्रबुद्ध नागरिकों से पूछते क्या क्या समस्याएं हैं, और बजट के अंदर उन समस्याओं के समाधान का रास्ता प्रशस्त होता। रेवाड़ी जिला में मुख्य तौर के ऊपर तीन समस्याएं आज के दिन हैं। नंबर एक, मणिठे में एम्स का निर्माण जो मुदत से अटका हुआ है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग जमीन भी दे रहे हैं, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। नंबर दो, स्वराज माजरा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी, वो ठंडे बस्ते के अंदर है,
नंबर तीन, रेवाड़ी जिले के बहुत बड़े हिस्से में जो वाटर लेवल है, भूमिगत जो पानी है वो नीचे जा रहा है, यहाँ नहर का प्रबंध नहीं है और किसानों के ऊपर कर्जा का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तीन मुख्य समस्याएं हैं। नंबर चार, हरियाणा प्रदेश ये महिलाओं के ऊपर जुल्म का एक केंद्र बन चुका है। हर रोज़ हर घंटा महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर सरेआम जुल्म जाती हो रही हैं, उसके ऊपर लगाम नहीं लगाई जा रही। नेक्स्ट जो मुद्दा है कि हमारी सरकार ने अभी बयान दिया बजट से पहले कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, उनको मर्ज किया जाएगा प्राइवेट स्कूलों के साथ। प्राइवेट स्कूलों के अंदर गरीब आदमी जो अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए शिक्षा का जो निजीकरण किया जा रहा है और स्वास्थ्य का जो निजीकरण किया जा रहा है, इससे आम आदमी, मध्यम वर्ग तक के लोग परेशान होंगे। सरकार इनके ऊपर ध्यान दे सरकार। तो आपको बता दें, एक सही चीज कहीं ना कहीं निकल के आई है। और आपको बता दें, रेवाड़ी एक वो शहर है जहां सबसे ज्यादा प्राइवेट डॉक्टरों की संख्या होती जा रही है, प्राइवेट स्कूलों की संख्या होती जा रही है, और जो सरकारी स्कूल या जो हॉस्पिटल है वो संख्या कहीं ना कहीं दिन पे दिन घटती जा रही है। जिस तरीके से भी बताया कि प्राइवेट स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है सरकारी स्कूलों को, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। चौहान साहब, आपको क्या लगता है, शिक्षा चिकित्सा एक मुद्दा निकल के आया, बेरोजगारी मुद्दा निकल के आया, क्या फोकस होना चाहिए, आपको उम्मीद क्या है बजट से? देखो, हम तो मोहनलाल जी, इनका 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र था, मैं तो इनको इनके चुनावी घोषणा, पिछले 5 साल गए, उन चुनावी घोषणाओं पर कोई वो नहीं हुआ। इन्होंने अपने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक खंडपीठ दक्षिणी मध्य हरियाणा में स्थापित करने की बात कही थी। तो मैं तो कहूंगा कि उसके लिए बजट अलॉट करो, और रेवाड़ी में, क्योंकि रेवाड़ी का एक, जैसे सैनिकों की खान ये कही जाती है, ऐसे ही धार्मिक रूप से भी और कानून के रूप से सर शादीलाल लाहौर हाई कोर्ट के ब्रिटिश राज में पहले एक नॉन ब्रिटिशर्स थे जो हाई कोर्ट के 1920 में चीफ जस्टिस बने थे और प्रीवी काउंसिल तक गए थे। यहां जैसे अभी कॉमरेड साहब ने बताया कि एम्स के लिए भी लोग जमीन देने को तैयार हैं, हाई कोर्ट की बेंच यहां स्थापित हो जाएगी, सस्ता सुलभ और तुरंत न्याय मिलने का रास्ता प्रशस्त होगा, जो आम आदमी, यहां सबसे दूर हैं हम चंडीगढ़ से, और ये कानून में है और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल रखा। लेकिन यहां का तो वो यहां हाई कोर्ट की बेंच बजट में ये प्रोविजन किया जाए। दूसरा, इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए, अब हमारी बार भी सीनियर सिटीजन बन गई है, 57-58 में ये बनी थी, तो ये 60 साल से ऊपर की बार हो गई है। तो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्होंने मुफ्त तीर्थ यात्रा एक सहायक के साथ दिल्ली में, इन्होंने तो मैनिफेस्टो में डाला, दिल्ली में केजरीवाल ने वो करके दिखाया और सत्ता में वापसी करी। तो इनको अपने 2014 में जो एक सहायक के साथ सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त यात्रा, तीर्थ यात्रा का प्रोविजन था, उसको लागू करना चाहिए। पिछले 2014 के मैनिफेस्टो में इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सोशल जस्टिस का एक भत्ता, विदेशों की हम बात करते हैं, उनकी नकल करते हैं, काला धन आएगा और इतना काला धन है, हम पावर में आ जाएंगे तो एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब पता नहीं वो कितना काला धन आया नहीं आया, पर हमारे किसी भी खाते में 15 लाख तो क्या, 1500 रुपए भी नहीं आए। तो इन्होंने 2014 में कहा था कि 2000 रुपए हम सोशल जो सिक्योरिटी है वो कर देंगे, इन्होंने 200 रुपए बढ़ा के वो 2000 रुपए कर दी। अब हम चाहते हैं कि ये इस बजट में 2000 से कम 4000 रुपए का तो प्रोविजन करें, चाहे उसको 5 साल में 400-400 रुपए बढ़ा के कर दें, मतलब ये चीज होनी चाहिए।
तीसरा इन्होंने, क्योंकि आप बार रूम में कर रहे हो और अभी आपने जैसे जिक्र किया, बार डिस्ट्रिक्ट का एक आईना होती है और डिस्ट्रिक्ट को लीड करती, नेतृत्व प्रदान करती है, खाली शहर के लिए नहीं, पूरे जिले को, पूरे इलाके का रिप्रेजेंटेशन बार। आज यहां आप बात कर रहे हो, इन्होंने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में तहसील स्तर तक अदालतें स्थापित करने की बात कही है। तो हम कह रहे थे तहसील की छोड़ो, आप सब डिवीजन लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके और जो जुडिशियल कोर्ट्स हैं उनको स्थापित करें। रेवाड़ी की परमानेंट लोक अदालत सीनियर सिटीजन क्लब सेक्टर 4 में लग रही है, तो उस लोक अदालत को भी यहां लेके आए, कंज्यूमर कोर्ट भी यहां हो, लेबर कोर्ट भी यहां हो, सारी एक छत के नीचे, होनी चाहिए। तो देखिए ये चीज बताई इन्होंने कि तमाम जो मैनिफेस्टो में वादे किए जाते हैं, 2014 में वादे किए थे वो पूरे नहीं है, उनको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया जाए, ये स्थिति कहीं ना कहीं निकल के आती है। आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए इस बार बजट में? मोहनराज जी, मैं मूल रूप से किसान वर्ग से संबंधित हूँ, तो मेरा ये है इस बजट में किसान वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के फेवर में बजट किया जाए, किसानों के हित की बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाए बजट को लेकर के। ये सुझाव है, ये चर्चा का मेन एचआर न्यूज का मकसद यही है, जब हरियाणा सरकार ने विधायकों से चर्चा की तो विधायकों का एक मौका दिया कि वो अपने सुझाव रखे सदन में जाकर के, और जिस तरीके के लगातार तमाम जो विधायक है वो भी अपनी अपनी प्रेस विज्ञप्ति देकर के और यानी कि सदन में जो चीज रख रहे हैं वही चर्चा हम यहाँ आम आदमी लोगों से करना चाह रहे हैं। वकील है, पढ़े लिखे वकील होते हैं, तमाम समाज जो जिस तरीके का भी चौहान साहब ने बताया कि पूरा नेतृत्व तो यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये लोग करते हैं, क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या बजट में अब इलाके के लिए क्या कुछ होना चाहिए? जो प्री बजट चर्चा है, हाँ कोई बात, बोल बोल। जो प्री बजट जो चर्चा एमएलए के साथ की गई है, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ डेमोक्रेसी में जनता के से भी सीधा संवाद किया जाए। तो देखिए एक बात निकल के आती है कि संवाद किया जाए, क्या लगता है जिस तरीके का भी इन्होंने कहा वाकई में होना चाहिए विधायक ने आप लोगों से, क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या रेवाड़ी में है, दो सत्ता पक्ष के विधायक एक विपक्ष का है, क्या लगता है सिर्फ अपनी अपनी बात कही जाएगी वोट बैंक को? कहने का ये है कि विधायक बनने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं, जनता के मुद्दों को वो गौण कर देते हैं और वो अपने वोट पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं, वो पक्ष और विपक्ष उनकी अपनी वोट पॉलिटिक्स है, उनका जनता के हितों के साथ जनता के मुद्दों के साथ उस ढंग से सरोकार नहीं होता, वो मुद्दे उतने ही उठाते हैं जितना उनकी वोट पॉलिटिक्स सर्व हो जाए। आपको लगता है जो रेवाड़ी की हालात और स्थिति है, सड़कें आपने देखी होगी और चीजें आपने देखी होगी, कितनी बदहाल स्थिति है, कुल मिलाकर के ठीक है लेकिन उस पर दोबारा से ध्यान देना चाहिए, जहां भी टूट फूट है उसको ठीक करवाए, इतना बजट लेते हैं। आपने अपना बावल रोड देखा जहां से आप आते हैं? कई जगह खराब है लेकिन उसका मेन आइडिया यही, लेकिन एक सवाल उठता है जब जिला मुख्यालय तक आने वाली सड़क आपकी बदहाल है तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा? मैं समझता हूँ उसको ठीक करना चाहिए, इनके पास इतना बजट होता है, इतनी नई गाड़ियां आती हैं, उनका टैक्स भी लेते हैं, फिर टोल टैक्स भी लगा रखा है, तो सड़कों को तो बिल्कुल पेटेंट रखना चाहिए। तो देखिए हम चर्चा के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और एक बार जान लेते हैं क्या कहेंगे। एक मुद्दा और है कि जो टोल टैक्स गंगाचा है, हमारे वकील कोसली जाते हैं, कोसली के वकील यहाँ आते हैं, तो वकीलों का ये टोल टैक्स मुक्त होना चाहिए, ये मांग पहले भी बार ने उठाई थी और इसको पूरा करना चाहिए। ये बजट से जुड़ी हुई चर्चाएं हैं जो होना चाहिए। चौहान साहब अंतिम हम हैं, पूरा अगर आप देखें अभी बजट आएगा 27 तारीख को, क्या मेन आपको चंद कुछ आपके हो 10 पॉइंट 15 पॉइंट क्या आप लोगों ने बनाए हैं जो होने चाहिए? नहीं मैं तो बताना, जैसे आपने अभी चर्चा दिल्ली चुनाव की करी है, मतलब अपनी हमारी इस चर्चा में है, तो बाबू केहर सिंह जी ने जैसे फ्री का वो कहा है, मतलब हमारे संविधान में हम लोग वकील हैं, पढ़े लिखे कानून के ज्ञाता हैं, मतलब ये इनकी तरह से नहीं है कि माइक आज लगा लिया और फेंक दी, हम फेंकू नहीं है, हिंदुस्तान का संविधान जो है वो सोशल वेलफेयर स्टेट। मेरे एक सवाल है, तमाम जो लोग कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने फ्री दिया, मेरा अपना मत यह वो फ्री नहीं है, आम आदमी की जरूरतों का ध्यान सरकार ने रखा, आपने कह दिया, लेकिन हम क्योंकि कानून के ज्ञाता हैं,
आर्टिकल 36 से और 51 तक संविधान में दिया गया है ये प्रोविजन, वो फ्री नहीं है, ये इनकी ड्यूटी है, ये ड्यूटी बाउंड है, इनको ये चीजें करनी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मतलब समानता, मतलब ये चीजें, बिजली, पानी, मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसलिए हैं, फंडामेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो उसमें इनको 36 से 51 तक आर्टिकल इसलिए डाल दिया गया कि जब रिसोर्सेज हो जाएं उस टाइम, और फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट करके इनको जब दाव लगे इनको पूरा किया जाए, और ये संविधान की आत्मा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वही केजरीवाल ने करके दिखाया, उसने केजरीवाल ने ये करके दिखाया है। और यहां भी हम ये हमने अपने सुझाव रखे, लेकिन अब मुख्यमंत्री और सरकार कहेगी कि हमारे पास बजट नहीं है, उसका भी हम सुझाव देते हैं कि आप अपने बजट का 3/4 तो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह में और उसमें ही लगा देते हैं। तो हमारा पहला सुझाव है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे सूचना आयुक्त लगाया, लोक आयुक्त लगाया और लगाए, ये बहुत सी बॉडियां हैं, इनमें आप रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसरों को लगाते हो। अरे वो रिटायर्ड आदमी तो अपनी पेंशन ले रहा है लाखों रुपए, उसको तुम अलग दे रहे हो, नयों को, फ्रेश को, एक तो रोजगार की समस्या उनकी खत्म होगी, नए रोजगार सृजन होंगे और वो आदमी अच्छे ढंग से काम कर सकेगा। रिटायर्ड आदमी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, वो तो कहेगा मैंने तो कमा खा लिया, अब भी मैं अगर भ्रष्टाचार करूंगा तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, और बिगाड़ लेगा तो मेरे को हटा देगा। नए आदमी को अगर इसमें अपॉइंटमेंट की जाएगी वो अपना कैरियर संवारेगा और कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। दूसरी भी बात, सुझाव मैं एक सुझाव मैं कंप्लीट कर दूं कि भाई आपने जो ये अब एमएलए को राजी कर लिया 3 दिन के लिए, फिर करोगे इस 5 साल में कितनी बार आप एमएलए के भत्ते और तनख्वाह बढ़ाओगे उस पर अंकुश लगाओ। बजट को रोकने के लिए ये जो लूप होल्स हैं वहां से पैसा आएगा और वेलफेयर स्टेट में आप उन चीजों को खर्च करो। बजट जनरेशन के पैसा जनरेशन, आप टोल टैक्स, आपने कहा था 2014 में कि हम टोल फ्री कर देंगे हम पावर में आए तो, अब टोल पे टोल बढ़ाए जा रहे हो और उस टोल के पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो पैसा कितना कहां किसके पास जा रहा है। इन चीजों पर जब आप 1-1 लाख रुपए नया रजिस्ट्रेशन होता है, हम तो रोज देखते हैं यहां, मतलब जितनी ज्यादा कीमती गाड़ी की कीमत है लाखों रुपए उसका रोड टैक्स होता है। टोल टैक्स किस बात का, वो रोड टैक्स सड़क पे चलने के लिए तो है और उसी से सड़क बढ़ेगी। तो ये टोल टैक्स की लूट खत्म करके जो रोड टैक्स का, वो अपने ऐशो आराम पे पैसे खर्च करने बंद कर दो, आम आदमी की सुविधाओं के लिए पैसा खर्च किया जाए, ये बजट जनरेट करने के सुझाव है। सुझाव के साथ साथ कई सारी बातें चौहान साहब ने बता दी, जिस तरीके का सीधा सीधा पूरे देश में दिल्ली चुनाव को लेकर के जो मैसेज गया और जो केजरीवाल ने काम किए हैं, जिस तरीके के जो उन्होंने आम आदमी की चीजों को समझा है, संविधान का कहीं ना कहीं जो प्रावधान है वो हर आदमी का हक है और ये सरकार को देना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है चौहान साहब ने जो बात रखी है संविधान में? चौहान लाल बाबू नरेश चौहान जी की बात को बड़ो ही तजुर्बो देता हूँ, सीनियर वकील है, काफी अनुभव है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है उनको इन्होंने बखूबी से हमके सामने बताया है, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब पिछली बार जब बीजेपी आई हरियाणा में बहुमत के साथ, मैं समझता हूँ कि आम जनता को, अनपढ़ जनता को सरकार बेवकूफ़ बना सकती है कोई सरकार हो, लेकिन एक बीच में पॉलिसी लेके आई, मैं समझता हूँ बड़े ही बेवकूफ़ समझती है क्या जनता को, या वो ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए कि बहुत से महकमों में, सरकारी महकमों ने, सरकार ने एक नोटिफिकेशन, एक पॉलिसी बना दी कि आप 58 साल पे रिटायर होंगे। हजारों लाखों की संख्या में जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, काम करते थे, उनको रिटायरमेंट कर दिया। उसके बाद महीना डेढ़ महीना के गैप के बाद उन्हीं आदमियों को
जो रोजगार सृजन की जो बात कही बाबू नरेश चौहान जी ने, उन्हीं आदमियों को उनको मेंटली अनफिट फिजिकली अनफिट करार दे करके कि 40-50 हज़ार सैलरी लेते थे, उन्हीं आदमियों को महीना डेढ़ महीने का गैप दे करके 10 से 15 हज़ार रुपए में उनको फिर रिप्लॉयमेंट कर दिया। बड़ी अच्छी क्या पॉलिसी है ये। मैं समझता हूँ कि ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। जो मैं समझता हूँ रोजगार, यहाँ तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट पीएचडी डिग्री होल्डर, पीछे हमारे बाहर की भर्ती चली पीएन के लिए 7 से 8 भर्तियां हैं, 6,000-10,000 की संख्या में बच्चे रोजाना, क्या पढ़े हो एमए इंग्लिश हो पीएचडी हो, मतलब बड़े ही एक रोजगार। तो देखिए ये वकील साहब की टीस है, कहीं ना कहीं रोजगार बड़ा मुद्दा है। तमाम हमने चर्चा की और 27 तारीख को भी जो बजट आना है उसको लेकर के और लगातार हम शहर भर में भी आपको चर्चा करेंगे, लोगों के व्यूज आपको बताएंगे, लोग क्या चाहते हैं। ये आज हमने आपको वकीलों का बताया, राजनीति विश्लेषक नरेश चौहान जी हमारे साथ थे, वो भी पूरा उन्होंने बताया कि क्या क्या मैनिफेस्टो में सर जो पार्टियां रखती है और सत्ता में आने के बाद क्या कुछ करती है। अब देखने वाली बात है तमाम जो चीजें हमने रखी है 27 तारीख को वो बजट में कितनी पूरी हो पाती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज़।